अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 10 के तीसरा टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, सर्चिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यह हमारा पार्ट तीसरा है। द इंटरनेट कंटेन मिलियंस ऑफ वेबसाइट दैट हैव अस सर्च फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स। वी कैन थिंक ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कैन बी अबाउट पीपल, फूड, प्लेस, कार्स, एजुकेशन, गैजेट्स एंड मैनी मोर थिंग्स। सर्चिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है? सर्चिंग जैसे कि हमें किसी भी वेबसाइट पे जाके, जैसे गूगल्स वगैरह में जाके आप लोग जो है सर्च कर सकते हो, जिस जिसको भी आप सर्च करना चाहते हो इंटरनेट पे। मिलियंस वेबसाइट्स कंटेनिंग मिलियंस वेबसाइट्स जो है वो हमें सर्च करने के लिए मदद करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को। जो भी आप सोचते हो, जैसे कि लोग सोचते हैं कि मैं किसी खाने को सर्च करूं, या किसी जगह को सर्च करूं, या किसी कार या एजुकेशन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जब आप सोचते हो तो आप इंटरनेट पे जाके सर्च करते हो। ठीक है, सर्चिंग ये होता है। ठीक है, किसी के बारे में अगर आपने सर्च करना हो इंटरनेट पे, तो वहाँ पे आप सर्च करोगे और इंटरनेट जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा उसके बारे में। ठीक है, जो भी आपकी सोच में है, जो भी आप सोचते हो वो आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ सर्चिंग। अब सर्चिंग इंजन्स, अब यहाँ पे सर्चिंग तो हो गया कि आप लोग किस चीज़ के बारे में सर्च करते हो, किसी की चीज़ के बारे में भी आप सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पे सर्चिंग इंजन्स है। ठीक है, अब सर्चिंग इंजन इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सर्च थ्रू द इंटरनेट वेबसाइट फॉर रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन। सर्चिंग इंजन जो है वो कंप्यूटर एक प्रोग्राम है जिससे हम सर्च करते हैं इंटरनेट वेबसाइट्स के थ्रू। हमारे जो कि जो भी हमारे इंफॉर्मेशंस होगा उसके उसको सर्च करना। देयर आर सम ऑफ वेरी पॉपुलर सर्च इंजन्स। यहाँ पे कुछ पॉपुलर जो है वो सर्च इंजन्स है। सर्च इंजन मतलब कुछ वेबसाइट्स जहाँ पे आप लोग सर्च करते हो। ठीक है, यहाँ पे गूगल, मैंने पहले भी बताया आपको, गूगल पे आप जाके सर्च कर सकते हो जिसके बारे में आप सर्च करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद याहू, बी, डक डक गो, अमेजोन वगैरह। ठीक है, यहाँ इन सर्च इंजन्स पे जाके आप लोग किसी चीज़ के बारे में भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। ठीक है, सर्चिंग इंजन्स आर यूज टू सर्च रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। सर्चिंग इंजन जो है हम यूज़ करते हैं हमारे इंटरनेट से हमारे इंफॉर्मेशंस को रिक्वायर करते हैं। ठीक है, वी यूज़ द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी चीज़ों को सर्च कर सकते हो। ठीक है, सर्च एन ओपन लिंक और ऑफ लिस्ट डिस्प्ले हाइपर लिंक्स। जो भी हाइपर लिंक्स होगा उसको उसको ओपन करना है आपने। ठीक है, हाइपर लिंक जो है वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, फिर आपने उसको ओपन करके अपना जो भी सर्च करना हो वो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्टेप है। पहला स्टेप है ओपन ए सर्च इंजन। सबसे पहले आप सर्च इंजन को ओपन करोगे, गूगल वगैरह में जाके उसको ओपन करोगे। सेकंड स्टेप है टाइप द टर्म्स अवर टेक्स्ट अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद आप अपना टेक्स्ट जो है वहाँ पे टाइप करोगे जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हो। ठीक है, स्टेप तीसरा है क्लिक ऑन द सर्च बटन। फिर सर्च बटन पे क्लिक करना है। अ नंबर ऑफ लिंक्स इज ओपन, नंबर ऑफ लिंक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप है चॉइस द रिक्वायर्ड लिंक आउट ऑफ मेनी चॉइस एंड क्लिक ऑन द ऑप्शन पेजेस। फिर वहाँ पे बहुत सारे लिंक्स होगा, उसमें से आपको आप जिसको इंफॉर्मेशन को आप जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हो उसे आप चॉइस करोगे। फिर उसके बाद वेब पेज को
ओपन करोगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने याहू में जाके कुछ एक्टर्स के पिक्चर जो है उन्होंने सर्च किया है, ठीक है। यहाँ पे आप टाइप करना है, सर्च इंजन ये है याहू में जाके, फिर यहाँ पे आप अपना जो भी टेक्स्ट, जो भी अगर किसी इमेज के बारे में या अपनी एजुकेशन की कोई टॉपिक हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो, आप यहाँ पे टाइप करोगे। उसके बाद यहाँ पे सर्च बटन है, वहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम ए वेब पेज, वेब पेज से आप किस तरह टेक्स्ट को कॉपी करते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स है उसके लिए भी। सिलेक्ट द टेक्स्ट रिक्वायर्ड टू बी कॉपी, ठीक है। आप अपने टेक्स्ट को कॉपी करोगे, ठीक है। स्टेप दूसरा है, राइट क्लिक ऑन द सिलेक्ट टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द कॉपी। राइट क्लिक करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद कॉपी पे क्लिक करोगे, ठीक है। तीसरा स्टेप है, ओपन द डॉक्यूमेंट वेयर सिलेक्ट टेक्स्ट हैज टू बी पेस्ट। उस डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे, फिर उसके बाद उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कहाँ पे आपको उसे पेना है, ठीक है, उसे सिलेक्ट करोगे। फोर्थ स्टेप है, राइट क्लिक ऑन द सेलेक्ट पेस्ट। राइट क्लिक करके वहाँ पे पेस्ट होगा, उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उस कहीं पे जहाँ पे भी आप पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। ये आपने ये वाला जो है वो इस तरह से ब्लू कलर में आएगा जब आप उसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। सिलेक्ट जो है वो ब्लू में होगा, फिर राइट क्लिक ऑन कॉपी, यहाँ पे कॉपी है वहाँ पे क्लिक करोगे। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप, ठीक है, ये आया। फिर तीसरा टेक्स्ट को कॉपी किया आपने, फिर फोर्थ स्टेप यहाँ पे है, राइट क्लिक पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट है, फिर वहाँ पे क्लिक करोगे, फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने यहाँ पे वर्ड में आके उन्होंने पेस्ट किया है, ठीक है। सेव एन इमेज ऑन द वेब पेजेस, वेब पेजेस से किस तरह आप इमेज को सेव करते हो, ठीक है। सर्च इंजन, सबसे पहले सर्च इंजन को ओपन करना है, फिर उसके बाद इमेज जो है वहाँ पे इमेज कार का इमेज उसको सर्च किया, उसके बाद उस इमेज को क्लिक करना है। फिर दूसरा स्टेप है, नेम ऑफ द इमेज, ठीक है, जो आपके इमेज का जो नेम होगा वो टाइप करना, ठीक है। क्लिक ऑन इमेज बटन, सर्च इमेज बटन पे क्लिक करना है। वी कैन सी मेनी इमेज ऑन द स्क्रीन, हम हमारी स्क्रीन पे बहुत सारे इमेजेस जो है वो देख सकते हैं, फिर ठीक है। यहाँ पे फोर्थ स्टेप है, ओपन द इमेज, इमेज को ओपन करना है। राइट क्लिक ऑन द डिजायर्ड इमेज ऑन द सेलेक्ट सेव पिक्चर एस, फिर वहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे इमेज होगा उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द सेव पेज पिक्चर, ठीक है, उस पर सेव पिक्चर जो होगा एस ऑप्शन वहाँ पे उस पर उसको सेलेक्ट करना है। फिर सेलेक्ट द फोल्डर, अपने फोल्डर को सेलेक्ट करना है जिस जहाँ जिस लोकेशन में आप उसे सेव करना चाहते हो, ठीक है। इन सेव पिक्चर डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स जो है वहाँ पे आ जाएगा। अब फाइल नेम, वहाँ पे आपको अपना फाइल नेम लिखना है। फिर सिक्स स्टेप है, क्लिक ऑन द सेव बटन, फिर वहाँ पे सेव बटन होगा उस पर क्लिक करना है और आपकी इमेज जो है वो आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे है फाइंडिंग पीपल्स, लोगों को किस तरह आप सर्च करते हो, अपनी फ्रेंड्स को, किसी रिलेटिव्स को किस तरह आपको आप जो है सर्च करोगे सोशल नेटवर्क्स पे। वी कैन फाइंड पीपल ऑन सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स, हम लोगों को सोशल नेटवर्क्स पे जो है सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स पे ढूंढते हैं, ठीक है। द पीपल मे बी फ्रेंड, रिलेटिव्स, सेलिब्रिटीज एंड अदर्स, ठीक है। कौन सी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, किसी सेलिब्रिटीज को, ठीक है। सम पॉपुलर सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स आर हैं, कुछ सोशल पॉपुलर सोशल नेटवर्क जो है यहाँ पे हैं, जिससे www फेसबुक, फेसबुक पे आप अपनी किसी फ्रेंड्स को अगर फ्रेंड लिस्ट करना चाहते हो आप फेसबुक पे जाके जो है उसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है, उसका नाम डाल के सर्च कर सकते हो। ट्विटर में वाइट पेज पे, फिर पीपल पे, फिर फ्रेंड फीड पे, ठीक है। फिर ट्विटर, ट्विटर में
ठीक है, यहाँ पे जाके आप अपनी जो भी फ्रेंड्स होगा, रिलेटिव्स होगा, या किसी सेलिब्रिटीज को ढूंढना चाहते हो, ठीक है, उनको ढूंढ सकते हो। क्वाइट्स, क्योटी क्वाइट्स क्या होता है? ये एक सिंपल जो है वो गाइडलाइंस है, जिस जो हमें बताते हैं कि हमें किस तरह इंटरनेट को किस तरह यूज़ करना चाहिए, और किस तरह हमें लोगों से बात करना चाहिए, और हमारे बिहेवियर जो है वो किस तरह होना चाहिए। ठीक है, हमें ये क्वाइट्स जो है वो हमें कुछ गुड्स जो है वो हैबिट्स बताते हैं कि हमें किस अच्छे तरीके से, हमें किस लोगों से किस तरह कम्युनिकेट करना है। ठीक है, हमारे बिहेवियर किस तरह होना चाहिए, हमारे जो रिस्पेक्ट पीपल्स, लोगों की हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, जिस जिस लोगों को सोशल नेटवर्क्स पे, कोई लोग ऐसे भी होता है जिनके जिनके बारे में आप जानते नहीं हो, जिनको आप जानते नहीं हो, तो आपको उसके साथ अच्छे से बात करना है, रिस्पेक्टली बात करना है। ठीक है, जब आप कुछ लिखते हो तो उसकी स्पेलिंग जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, ग्रामर और पंक्चुएशंस का खास ख्याल रखना है। जो अन थिंक जो चीज़ें होगा जो यूज़फुल नहीं होगा, उनको आपने फॉरवर्ड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कुछ चीज़ें आप जो है, जब आप ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हो तो आप अजीब वीडियोस या पिक्चर्स जो है अपनी फ्रेंड्स को उनको फॉरवर्ड कर देते हो, लेकिन वो उसको, कोई कोई लोग ऐसा होता है जो उसके एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसे अच्छा नहीं लगता है। हमेशा जो है उसको आपने ऐसा वो करना है कि जिससे कि आपको सब कुछ आता हो, आप अपनी पर्सनैलिटी जो है, अपनी वे ऑफ टॉकिंग जो है वो अच्छे से रखना है। ठीक है, जब आप मैसेज लिखोगे तो ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना है, छोटा सा लिखना है और मीनिंगफुल लिखना है। ठीक है, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर जहाँ पे कॉमा, उनका खास ख्याल रखना है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उनका खास ख्याल रखना है। ठीक है, जैसे कि कीप मैसेज शॉर्ट एंड ब्रीफ एंड क्लियर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मैसेज जो है वो छोटा सा लिखना है और क्लियर लिखना है। ठीक है, और कोई ऐसा ईमेल जो है वहाँ पे अटैच नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं खुद पर, जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो आप लोग कुछ भी वहाँ पे लिख देते हो, इलीगल चीज़ लिख देते हो, लेकिन आप लोग सोचते हो कि मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन सोशल नेटवर्क पे भी लोग आपको देख रहे होते हैं। ठीक है, अब वहाँ से भी आप पकड़े जा सकते हो। ठीक है, इसलिए इलीगल चीज़ें वहाँ पे सेंड नहीं करना है, हाँ खास ख्याल रखना है। ठीक है, मुझे क्या सेंड करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, किस तरह की ईमेल जो है मुझे वहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, जब ईमेल लिखने से पहले, सेंड करने से पहले उसे अच्छी तरह से एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद आप जो है ईमेल जो है वो सेंड कर लीजिए, चाहे ईमेल हो, चाहे कोई मैसेज हो, या कोई पिक्चर हो। ठीक है, सबसे पहले उसको चेक कर लीजिए, उसके बाद जो है आप उसको सेंड कीजिए। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो। कल हम मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज़।